अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बकरों का तेल और दही का पूरा एक डिटेल वीडियो होगी, तो मैंने कहा वो आप लोगों को बताऊं भी और दिखाऊं भी कि कैसे देते हैं, क्या देते हैं और क्या क्या उसमें, कितनी अमाउंट में दही डलता है, कितनी अमाउंट में उसमें तेल डलता है और कैसे बकरों को दिया जाता है, इसके अलावा किस साइज़ के बकरों को कितना देना है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि ये गर्मियों के लिए खासतौर पर बहुत अच्छा टोटका है। और शुरू करते हैं, चीज़ें निकलवाते हैं और फिर इसको दिखाते हैं। अच्छा जी, पहले तो ये हम डाल रहे हैं तेल। तकरीबन ये तेल जो है ये हमारी जंबो बोतल है, जंबो बोतल का क्वार्टर है। और इसके अलावा बाकी कितना डलेगा तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये है सरसों का तेल ना, वो खाली हो गया। सैलिंग में तकरीबन पाव तो हो गई, देखते हैं कितना निकलता है, वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब कंटिन्यू करते हैं। तो सारे दही के पैकेट असल में रमज़ान के दिन है और दही जो है ना अलग अलग दुकानों से, ये अभी जिस टाइम से दही मिल रहा था तो हर अलग अलग दुकानों से लेके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये दही तकरीबन एक से डेढ़ किलो दही है और इसमें ये हम इतना ही तेल डालेंगे। दही की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है और जो तेल की अमाउंट होती है वो उससे आधी होती है, कम होती है। तो ये इस तरह डलता जाएगा, सारा डल जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचे करके डालना, देख अली भाई कैसे डालेंगे, ऐसे डाला कर। अच्छा जी, इसको भर लिया। अब ये जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल ये जो इस साइज की बोतल है ये बड़े बकरों को एक जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, तकरीबन दो तक दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बड़ा माल जो होता है उनको तो एक एक लीटर भी जाता है। तो अभी ये स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इसको शुरुआत इस क्वांटिटी से कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इसको बढ़ाते जाएंगे। अब इस कैरेट से शुरू करो, उसको भरा करो, इसका मुँह यहाँ इस तरह, बाकी बता रहे खुद ही पी। इस तरह बारी बारी सबको देते जाएंगे, माल को देते जाएंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं सब तो नहीं दिखा रहा, तो सिलेक्टेड माल होगा तो इंशाल्लाह उनको दिखा के कंटिन्यू करेंगे। पहले अभी हमने इधर का बनाया है, यहाँ से सारे बड़े माल को कंप्लीट करेंगे, फिर और बना के आगे आगे चलते जाएंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये हमारे घर वाला बकरा, अब इसको भी पिला रहे हैं। बाकी यहाँ से आप लोगों को बकरों को पिला दिया, मैंने कहा बोरिंग हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सिलेक्टेड बकरों को दिखा रहा हूँ। बाकी ये सब पी चुके हैं। ये माशाल्लाह से इसकी प्रोग्रेस भी बताएगा, माशाल्लाह ये इस खाने वाला मुंडा है जो आंडू था हमारे पास, और ये आप इंशाल्लाह इस साल घर पे कुर्बानी होगी इसकी, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। और अभी इसने एक दांत निकाला है, अभी भी ये माशाल्लाह ऐसी चीज़ है कि रोकें तो रुक सकता है। बाकी ये देखें बकरे आ रहे हैं, हमें भी पिला दो, चले इसको लिया उसको भी पिलाओ। अब तुमने इशारा करा है, लोग ये समझेंगे कि हम सिलेक्टेड बकरों को पिला रहे हैं और किसी और को नहीं पिला रहे, जबकि वो इसलिए कह रहे हैं कि इसकी वीडियो मत बना, किसी और की वीडियो बना लिया। हाँ, तेरे इशारे से अब लोगों को ये लगेगा पागल, सबको पिलाएंगे, सब पियेंगे, हमारे पढ़ाई वाले भी पियेंगे और घर वाले भी पियेंगे। अब आगे देखें कि जिनके मुँह पर निशान आता जाएगा वो वैसे ही दिख जाएंगे यार, उन्होंने पी लिए। ये माशाल्लाह से हमारे जो पाँच बकरे एक भाई के, एक ये बकरा है, एक ये बकरा है और एक कपला है, दो और हैं। ये माशाल्लाह से हमारे एक ही भाई के हैं, इंशाल्लाह उस साल कुर्बानी करेंगे तो उनके बकरे भी इसी खाते में उठी रहे। बाकी फिर अभी बड़ा माल आता है और उसके बाद पटेरे को कितना देंगे, पटेरा भी दिखाते हैं और उसके बाद में भी बताएंगे। ये देखें छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, राजू के बच्चे। हाँ, क्या हुआ माशाल्लाह, बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं जैसे जैसे आते हैं। अच्छा जी, ये आ रहे हैं बड़े बकरा, सबसे बड़े बकरों को इनको हम
जितनी क्वांटिटी देंगे वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। इन सबको दे दिया माशाल्लाह से, स्टार्ट कर दिया। ये प्रोग्रेसिंग अब इनका ये कोर्स चलता रहेगा ताकि ये पीते रहें, और गरमाइश जो खास तौर पे करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा हल है। आप लोगों को पता है कि दही और तेल दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि दही तो हम पूरे रमज़ान ख़ुद भी पी रहे होते हैं कि भाई प्यास ना लगे और ठंडक रहे, तो दही का एक बहुत फ़ायदा है। तो ये देखें उसने पी लिया, इसको इंशाल्लाह एक और पिलाएंगे। चेरू इसको पिला एक और, इसको दे एक और बड़े में, हाँ एक और दो बड़ों को, दो दो इस तरह इंशाल्लाह इनको भी पिलाएंगे और इनको भी पिलाएंगे, सबको पिलाएंगे। माशाल्लाह से थोड़ा आगे ला रहा है, आगे ला ना बकरा। माशाल्लाह ये वो वाला बकरा है जो अभी हमारे लास्ट ट्रिप में आया था, और लास्ट ट्रिप का सबसे बड़ा जो बकरा था। और ये भी हमारे एक भाई हैं, वो बाहर होते हैं, उसामा भाई उनके भाई यहीं होते हैं, तो उनका ये बकरा है। इंशाल्लाह वो इस साल कुर्बानी करेंगे, तो इनको भी दे रहे हैं। बाकी इन सबको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, ठीक है। हाँ भाई चले जी, अब हमारा पटेरा इसको आगे तो ला, काफ़ी टाइम से हमने अपने दिखाया भी नहीं है। इंशाल्लाह इसको दिखाएंगे अभी बकरा, बाकी इसको प्रॉपर इसके वीडियो वगैरह बना के। बाकी इसको मैंने कहा इसको दे, आप देखो माशाल्लाह बंदे कद पे कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है बकरा माशाल्लाह। इसको भी दो पिलाएंगे, अरे छोटू लेकिन छोटा बच्चा बड़ा। मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ कि क्या अपडेट है और क्या चल रहा है। बाकी ये फिर इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे, हमें भी निकलना है फिर मुझे। अच्छा मैंने कहा कि अरे अरे बस, हाँ जिस तरह चला के कंटिन्यू कर देंगे फिर इंशाल्लाह। ये डायमंड क्रॉस है, 100 किलो तो कहीं नहीं है कोश में। अबे गेने मेरे गहने से बड़ा है माशाल्लाह। चले भाई इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी यहाँ पे न्यू एंट्रीज भी हुई हैं, एक यहाँ पे हुआ है, एक नया बकरा आया है। बाकी इसके अलावा कांगिया 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 सिंह वाला ये बकरा भी न्यू एंट्री हुई, सुकून से इंशाल्लाह दिखाएंगे। बाकी ये बकरा मोशन कर रहा था गर्मी की वजह से, ठीक ठाक इसने मोशन करें। और ये हमारे उसामा भाई का बकरा है, ये भी सेट होना शुरू हो गया, इसने बीच में मोशन शुरू कर दिए थे, इसने दाने बनने की वजह से सेट हो गया। बाकी वो चंबा माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है वो भी सेट है, और खीरा यहाँ पे जो बकरा आया है इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा चाहूँगा अल्लाह हाफिज़। और चाहिए तो मैं उनको शेर और जो ज़्यादा खाने दो, नहीं भाड़ नहीं आना। चलो कंटिन्यू, ये हमारे राजू के बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जो अपनी माओ के पास हैं। हाँ ये बकरा जो है ये न्यू एंट्री हुई है, मिड रेंज में अगर चाहिए आपको तो ये दो दाल बकरा है, टापरा बहुत अच्छा बना हुआ और बहुत अच्छी गली में, तो ये भी किसी भाई को चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें भाई वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।